अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, कुछ लोगों का FS14 जो है वो प्ले नहीं हो रहा, यानी कि ऐसे अगर प्ले करोगे तो वो कभी उस पर टच नहीं होता, या फिर उसका एक्सेलेरेटर बटन ही गायब होता है, या वो काम ही नहीं करता। तो अगर आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि अगर काम नहीं कर रहा तो उठा के दीवार के साथ पटक दो। अबे साले, नहीं, मेरा भी दिल आया था लेकिन फिर मैंने कहा यार थोड़े पैसे लगे हुए हैं, तो अभी आप लोगों को भी इसका सोल्यूशन बताते हैं। मैंने भी हल कर लिया तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के पास सैमसंग या कुछ ऐसा वैसा फोन है तो उसके अंदर गेम लॉन्चर होगा, जरा चेक करना। अगर तो ऐप चुप करके गेम को उसके अंदर डाल दो और वो प्ले होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरे पास दूसरा फोन है तो यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं कर रही। तो चुप करके जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है गेम लॉन्चर। ठीक है, गेम लॉन्चर कोई भी अच्छा सा आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढ लेना है। ये रेड वाला जो है ये गेम बूस्टर, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ इसको डाउनलोड आप लोग कर लो। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे गेम बूस्टर, ठीक है, ये डाउनलोड अगर हो जाता है तो 13 MB का है और बहुत ज़्यादा इसके डाउनलोड है। उसको डाउनलोड करने के बाद गेम को इसके अंदर डालो और चुप करके गेम को इंस्टॉल कर लो, और हाँ स्क्रीन रोटेट को ऑन कर लेना। ठीक है, गेम को इसके अंदर डालो और फिर इसको जब स्टार्ट करोगे तब आप लोगों को ये स्क्रीन पर टच करने और यहाँ पे कोई ऐसा वैसा परेशानी का देखने को नहीं मिलेगी। रुको रुको, ज़रा थम्मर रखो, मैं और भी सलूशन बताऊँगा। जो जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है FS14 खेलने में, वो सब के सब इस गेम के अंदर दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले अब जो है वो बता दूँ आप लोगों को कि यार आप लोगों की वो स्क्रीन हिल रही है पूरी आप खेलते हुए, तो वैसे वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देख लो इजीली प्ले हो सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं। फुल स्क्रीन हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन अभी एक्सेलेटर समझ लो काम नहीं करता, या वो एक्सेलेटर हटा हुआ है। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा वैसा सीन हो रखा है तो फिर आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को उसको भी सोल्यूशन बताता हूँ। अगर स्क्रीन हिल रही है तो उसका सोल्यूशन अभी सबसे पहले दिखाते हैं आप लोगों को। अभी देख लो मैं प्ले कर रहा हूँ और तुर्की के जलजले गेम के अंदर मोबाइल के अंदर भी महसूस हो रहे हैं। आपने गेम के 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो यूज जायरोस्कोप है इसको ऑन करके हॉरिजॉन जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन जायरोस्कोप के नीचे था उसको आप लोगों ने मतलब क्रॉस कर देना है, उसको हटा देना है। ठीक है, तो जब आप लोग ये काम करोगे तो आप लोगों का वो स्क्रीन हिलना बंद हो जाएगी और कोई भी ऐसा वैसा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ये आप खुद ही छेड़ते हो, वैसे वो हिलती नहीं थी। अब बात कर लेते हैं अगर एक्सेलरेटर बटन ही आप लोगों का ऐसे गायब है तो उसको कैसे लाएं। ठीक है, अभी देख सकते हो आप लोग ऐसे में नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मोबाइल फोन की सेटिंग में आ जाना। आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद ऐप्स के अंदर जाना है, और ऐप्स में जाने के बाद मैनेज ऐप्स के अंदर जाना है। मैनेज ऐप के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे FS14 को ढूंढ लेना है। बाबा जी यहाँ पे हम ढूंढते हैं कहाँ पे है जी FS14, जल्दी से हमारे सामने आ तो इलाज करें, ऑपरेशन वगैरह कोई तकलीफ है तुझे। यहाँ पे ये FS14 देखने को मिल गया, इसका फुल स्क्रीन मोड आप लोगों ने ऑन कर देना है, और जो ही इसको आप लोग ऑन करोगे फुल स्क्रीन मोड को तो आप लोगों का गेम जो है वो कोई भी परेशानी बगैर किसी टेंशन परेशानी के यहाँ पे ओपन होने को वो ओपन हो जाएगा और आप लोग इसे इजीली प्ले भी कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आप लोगों का हल हुआ चाहता है, और इसके बाद आप लोगों को कोई भी टेंशन परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और फिर आप लोग अब इतना बड़ा सोल्यूशन का हल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना करो तो फिर इसके लिए मैं यार आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और कुछ कह सकता हूँ आप लोगों को। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते बे? बहुत ज्यादा टाइम के बाद वीडियो लाता हूँ और सब्सक्राइब कर दो। बाकी ये पेड गेम कहाँ से फ्री डाउनलोड होती हैं, बहुत सारा कुछ सही ना आप लोगों को दिखाऊंगा, कोई भी गेम हो। ठीक है, और अनलिमिटेड मनी आप लोग कैसे काउंट कर सकते हो, पबजी के अंदर फ्री यूसी आप लोग कैसे हासिल कर सकते हो, एंड इसके अलावा ऐसे पबजी के हैक वगैरह कहाँ से आप ले सकते हो। हाँ, जो इनलीगल वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, और बाकी जो है वो आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियो लाऊंगा यार, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और खासकर एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों का एड्स प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि फ़ोन में गेम खेलते हुए एड्स आ रहे हैं, खासकर मुझे पता है पबजी लवर बहुत ज़्यादा है और एड्स देखने को मिलते हैं, दिल करता है उठा के फ़ोन दीवार में मार दूँ। ठीक है, तो ये जो हिसाब जिन लोगों के साथ हुआ जा रहा है ना, वो परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आऊँगा अगर कमेंट करोगे तो। दिमाग खराब है, इतनी अमेजिंग चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ बगैर किसी कमेंट के, तो कमेंट करो अच्छा था और हम वीडियो ले आएंगे, आप लोगों को पता चलेगा वाकई यार कोई वीडियो किसी ने बनाई है। और हाँ,
हमारा प्रॉब्लम जो है वो हल हुआ है, मसला हल हुआ है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ वीडियो लाऊंगा और आप लोगों ने उसको चेकआउट करना है, और कोई भी ऐड आप लोगों को देखने को मिलने नहीं मिलेगा। हाँ, किसी और एप्लीकेशन में भी आप लोगों को जो है यूट्यूब के वीडियो प्ले करते हो तो ऐड देखने को मिलता है, किसी और थर्ड ऐप के मतलब वीडमेड के अंदर वीडियो डाउनलोड की तब ऐड आया, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और गेम खेलते हुए ऐड आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उस ट्रिक के जरिए। वीडियो बहुत जल्द आने वाली है तो फटाफट से हमारे चैनल को इसी वजह से सब्सक्राइब कर दो, फटाफट बंद के कंप्लीट कराओ। बाबा जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं।